भजन जिगड़ी का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। जिसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करता हमारे नरेश भैया जी, ढोलक पर संगति कर रहे हैं आकाश मस्ताना जी, मई खंदौली आगरा से झीका पर झनकार दे रहे हैं मेरे बड़े भाई अनूप छोकर नगला संजय दाऊ जी से। प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं आदरणीय हमारे गुरुदेव डॉक्टर हरवीर जी, और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर सुनिएगा। सर्वप्रथम मेला प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग नौजवान भाई, यहाँ पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार वे गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी माँ शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जिगड़ी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर आसीन हमारी परम आदरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब है, राम राम तो ले लो। सभी कलाकार आपके सामने एक से एक बढ़कर हैं, सभी महान कलाकार हैं। मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं हूं, और इस इंसान को ये न जाने किस चीज की भूल है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और चाय वारंट निवेदन है भैया, नंबर के बाद बांटी हूं। हाँ कौन नंबर ते पहली बांट भी लग जाए। और देखो हम चाय वारंट ज्यादा कछु जाए मारना है कि कोई पता ना है कब प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ लिखा आप जैसे विद्वानों ने, और भैया आकाश कैसे कि वेद शास्त्र सब कह रहे और ये माँ बाप से भड़की और न कोई पायो है, हर युग में सबको जन्म दिया फिर बिरथा दोष लगायो है, लेकिन कहा कि संतान पे जब जब कष्ट पड़ो माँ बाप ने अपनो फर्ज निभायो है, और माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो तेन पानी तक ना। भैया ये जीव जब गर्भ के अंदर होता है उस परम पिता परमात्मा से ये वायदा करता है, कहता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालिए, मैं जब धरती पर जाऊंगा तो आपका नाम रटूंगा। परमात्मा कह रहा है कि मैं तुम्हें धरती पर तो भेज दूंगा, लेकिन देख तू बाहर जाते करेगा क्या। और भैया आकाश कहा कैसे कहा, और ले काम क्रोध मद लोभ मोह में, परमात्मा कह रहा है मैं तुझे भेज तो दूंगा लेकिन सुन, और जा काम क्रोध मद लोभ मोह में और तू फंस जाएगा। और देखिए एक बार सभी से निवेदन करूंगी, सुस्ती को छोड़ते फुर्ती में जोरदार जयकार लगाएंगे, जिसको प्रभु ने सुंदर सुंदर दोहा दिए। बोलिए दाऊ जी महाराज की, कछुन ने उठा ले कछुन ने ना उठाए,
और कमेटी वाले तो नेकू ना उठाए। कहते हैं जो जितना ऊपर हाथ उठाता है ना वो उतना ही जल्दी ऊपर जाता है। देखो हसबे भाई बात ना, मैं तो तरक्की का कह रही हूँ, तुम गलत सोच के देखिए। कमेटी तो निवेदन है, भगवान ने अगर दो हाथ दें तो इनको ने का सदुपयोग कर लियो। जैसे कि हमारे ब्रज में जयकारा लगता है, एक बार सभी अपने दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलेंगे, बोल गिरिराज महाराज की। और भैया कहा क्या, और या काम क्रोध मध लोभ मोह में और तू फंस जाएगा। क्यों, अरे ओ बाप रे पीछे पछताएगा, ओ बाप रे पीछे पछताएगा। जरा दे और कहा भैया क्या, और या काम क्रोध मध लोभ मोह में, क्या और या काम क्रोध मध लोभ मोह में, काम क्रोध मध लोभ मोह में तू फंस जाएगा। क्यों, अब के तो प्रधानी के चुनाव पर है, अभी के सुस्ती सी दिख रही है, वो तो पब्लिक पे वो ऐसी लगे सबसे ज्यादा लॉकडाउन यही भारी पड़े हो भैया। और या काम क्रोध मध लोभ मोह में तू फंस जाएगा, और अरे ओ बाप रे पीछे पछताएगा, ओ बाप रे। जब कहा क्या, अरे शुभ कर्मों की बंदे बंदे कर ले कमाई, और कहा संग में बाबा तेरे, संग में भैया तेरे, संग में दादा तेरे जावे। जैसा कर्म करेगा क्या, जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने कर्म को प्रधान बताया, बाबा तुलसीदास जी कह रहे कर्म प्रधान विश्व रचना खा, जो जस कर ही सो तस फल। कहा अरे जैसा कर्म करेगा वैसा फल तू पाएगा। देखिए आप जैसे विद्वानों ने कहा है, आए थे वो चले गए, आए थे वो चले गए, बाकी सब संभाली थे। और सिकंदर जब दुनिया से चला तो दोनों हाथ, ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। कथाएं सारी वही है, प्रसंग सारे वही है, लेकिन कहने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। अच्छा अच्छा, जैसा कि हमारे श्रोताओं की फरमाइश, बात उस समय की है जिस समय रानी तारा अपने कुमार रोहतास का अंतिम संस्कार करके आती है। आहा सजनों, रानी तारा बियावान जंगल में खड़ी है। रानी तारा अपने मन में विचार कर रही है
कहा कि जिसदम जली कुमर की काया, जिसदम जली कुमर की काया, और ये दिल माता का रोया है। अरे रह गई खड़ी अकेली, मैंने सब कुछ अपना खोया है। सो कैसे कर्म किए जाने मैंने, कैसे कर्म किए जाने मैंने, जब सोच करे दुखियारी। अब तुम किस्सा सुनो आहा सजनों, रानी तारा बियाबान जंगल में खड़ी है, लेकिन रानी तारा की हालत कैसे भैया आकाश कहा कैसे। कहा देखो साहब, बात तुम पे करवो आवे ना है, और जिकड़ी को गायबो कैसे हो भैया आकाश कैसे। ठीक है, अब 40 लगा पे घर ते लाऊं। अच्छा अबे 100 के ले जाओ, मैं 60 में धर दियो। कहा हे रेले नंगे बदन और घूम रही अंतिम आस, ए अंतिम आस टूट गई मेरी, समिट गया वंश हमारो है अंतिम आस। इंसान है जब ठोपर लगेगा, जब नोके भाई जा काम है मैं नहीं करता तो कितना बढ़िया रहे। तो अरे कौतिक तूने बहुत किए हैं, चेता जब भैंस चली गई पानी में, चेता तो फिर
अच्छा देसी ना पीरे कोई बात नहीं नौवारी में नाम है गोजावाद को तो नहीं देसी पी भई है रानी तारा बियाबान जंगल में खड़ी है रानी तारा विचार कर रही है भैया जी कहा कैसे करूं कहां को जाऊं देखो शांति बना रखो साहब कहा भैया जी भाई साहब कैसे करूं कहां को जाऊं जितो ख्याल हृदय में लाती है अरे बियाबान में खड़ी सोच रही फट रही जाकी चाहती है कि जाय की घुसी एक मंदिर में जाय की घुसी एक मंदिर में वो आफत की मारी अब तुम किस्सा सुनो अगारी आहा सजनों रानी तारा एक मंदिर पर आकर के सो गई विश्वामित्र जी ने रात्रि में कई बच्चों की हत्या की बच्चों की हत्या करके रानी तारा के मुख से खून को लगा दिया नगर में आकर के आवाज लगा दी कि मंदिर पर एक डाहिन आई है जैसे ही शोरगुल को सुना पूरा समाज इकट्ठा है उसी समाज में कालू भंगी आ गया जैसे ही कालू भंगी ने सुना कि मंदिर पर एक डाहिन आई है कालू भंगी राजा हरिश्चंद्र को और देखिए आदेश दे रहा है भैया कह क्या रहा है कैसे कहा अरे किस्सा जब बा कालू नी सुन पायो सुन पायो और जाने हरिया पास बुलायो और जाने कालू भंगी राजा हरिश्चंद्र को आदेश दे रहा है क्या और डाहिन को और डाहिन को मार के आइयो रे डाहिन को मार के आइयो राजा हरिश्चंद्र के कानों में आवाज आई जो कालू भंगी डाहिन बता रहा है वो रानी तारा है राजा हरिश्चंद्र कह रहा रानी मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी क्यों गैरों से गिला क्या करें राजा हरिश्चंद्र कह रहा है अरे गैरों से गिला क्या करें हम गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए गैरों से गिला क्या करें और कहा अरे गैरों से गिला क्या करें क्या गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए और शीशे तो वही है मगर क्या शीशे हरे शीशे तो वही है मगर ये चेहरे बदल गए तेरों
चंद्र कह रहा है, रानी मैंने यह समझा था कि तू कभी बदलेगी नहीं, लेकिन सुन, अरे मैं भी वही हूं और मेरी मीठो सो